ये अमरनाथ जी का सर्जरी से पहले का एक्सरे देख रहे हैं, ये हिप में फ्रैक्चर है इनको लेफ्ट साइड में, ये है इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। इसको इंटरट्रोकेंट्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये है लेसर ट्रोकेंटर, जब इनके बीच में फ्रैक्चर होता है ये लाइन आ रही है तो हम इसको इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं। ये नेक फीमर से थोड़ा डिफरेंट होता है, नेक फीमर फ्रैक्चर यहाँ होता है तो इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर यहाँ होता है, उनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा अलग रहता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे बोन बहुत ही थिन है, इनका कॉर्टेक्स बहुत ही थिन आउट है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है जो भी इम्प्लांट हम यूज़ करेंगे उससे, एक तो बोन को डैमेज नहीं होना चाहिए और दूसरा हमें सिंगल अटेम्प्ट में सर्जरी करनी है। अगर हम बार बार इसमें ड्रिल करेंगे तो इसमें कुछ फिक्सेशन नहीं आएगा स्क्रू का, तो लूज़ हो सकता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं डिफरेंस। इनकी पहले भी एक सर्जरी हो चुकी है हिप की, सेम सर्जरी, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हुआ था इनको पहले, राइट साइड में हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे ये PFN इसको कहते हैं, प्रॉक्सिमल फीमर नेल, ये जनरेशन वन है, इसको PFN 1 कहते हैं, जिसमें दो स्क्रूज डलते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि ये स्क्रू बहुत छोटे हैं तो कई बार ये बोन के थ्रू कट कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इनफैक्ट इनकी राइट साइड की सर्जरी इसलिए दो बार हुई थी क्योंकि स्क्रू कट थ्रू कर गए थे। अब जनरेशन 2 PFN आया जिसको हम PFN 2 कहते हैं, इसमें सिंगल बोल्ट होता है और ये काफ़ी बड़ा इसका डायमीटर होता है और इसमें थ्रेड्स नहीं होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें थ्रेड्स हैं जैसे एक स्क्रू में होते हैं, ये बेसिकली ट्विस्टिंग ब्लेड है, ये स्क्रू नहीं है ये ब्लेड है। जैसे जैसे हम इसको हैमर करते हैं ये ब्लेड बोन के अंदर अपनी जगह बना लेता है। इसको हमने इधर से भी लॉक किया और इधर से भी लॉक किया ताकि ये बिल्कुल मूव ना करे। फ्रैक्चर आप देखेंगे अब दिखाई भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल अच्छा कंप्रेशन आया है और हमने बहुत लंबा नेल नहीं डाला है, छोटा नेल है, यहाँ स्क्रू से इसको लॉक कर दिया है और आगे तक कहीं भी आगे नीचे फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रैक्चर हमारा यही है, बहुत लंबे नेल की ज़रूरत नहीं है। अब ये फिक्सेशन इतना अच्छा है कि पेशेंट इसके ऊपर वेट डाल सकते हैं, पहले दिन से ही पेशेंट स्टैंड कर सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं, कमोड चेयर यूज़ कर सकते हैं और फैमिली के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि पेशेंट को बेड में सब कुछ नहीं कराना, तो टॉयलेट जाना है उनको कुछ भी करना है तो वो कमोड चेयर यूज़ कर सकते हैं। अमरनाथ जी की सर्जरी को 6 घंटे हुए हैं, हमने वैसे इनको ICU में रखा है बट आप देख सकते हैं ही इज बिजी वॉचिंग वेब सीरीज। हाँ जी कैसे हैं अमरनाथ जी, ठीक है? यस A1 गुड गुड गुड। तो अमरनाथ जी का हम ये ड्रेसिंग कर रहे हैं आज, अब ये घर जा रहे हैं और ये आप इंसीजन देखेंगे इनका, एक छोटा सा इंसीजन ऊपर है हार्डली 1.5 सेंटीमीटर, एक छोटा सा इंसीजन यहाँ पर है और एक ये पर। तो ये बहुत ही जिसको MIS टेक्निक हम कहते हैं, कोई कट नहीं है बहुत बड़ा, कोई ब्लीडिंग नहीं है एंड देर इज़ नो नीड फॉर फर्दर एनी ड्रेसिंग। पेशेंट बिल्कुल सर्जरी की वजह से पेशेंट को कोई ट्रॉमा नहीं है। MIS टेक्निक का यही फ़ायदा है कि हम सर्जरी करें तो आसपास के स्ट्रक्चर को डैमेज ना करें, इससे पेशेंट की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। लव जी, तो इसमें कोई मेजर ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी ड्रेसिंग हम कर रहे हैं जिसको हम 5 डेज के बाद हटा देंगे। तो हिप सर्जरी से जनरली डरते हैं लोग कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होगी, उसमें ब्लीडिंग होगी, बेड रेस्ट होगा बहुत, और अब क्योंकि हमारा जो फिक्सेशन है वो स्टेबल है तो पेशेंट को हम चेयर पर बिठा सकते हैं, पेशेंट कमोड चेयर यूज़ कर सकते हैं, तो वो फ्रीडम हम पेशेंट को अब देंगे। तो आराम से पेशेंट बैठ सकते हैं और जो यूरिन का जो पाइप है इसको हमें जल्दी से जल्दी निकालना है। जैसे पेशेंट बेड से उठना शुरू हो जाएंगे, चेयर पर बैठना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसको जल्दी से जल्दी निकाल देंगे बिकॉज जब तक कैथेटर डला रहेगा इन्फेक्शन के चांसेस हैं और इन पेशेंट्स में हमें इन्फेक्शन का पूरा ध्यान रखना है बिकॉज इम्यूनिटी कम है। आइए इसको पकड़ो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, चलो वेरी गुड, सीधे खड़े हो जाइए, सीधे खड़े होइए, शरीर को सीधा रखिए, सीधे खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए, चलिए आगे चलेंगे थोड़ा सा, बैठ बैठो बैठो बैठो, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो पेशेंट को बेड से हमें उठाना है जितना जल्दी हो सके, चेयर पे बैठाना है, इससे क्या है कि पेशेंट को एक थोड़ा सा मसल्स यूज़ होती हैं, उनके लिम्ब्स यूज़ हो रहे हैं एंड वी आर एबल टू क्लीन हिम अप, ही कैन यूज़ ए कमोड चेयर। तो पेशेंट के लिए और फैमिली के लिए दोनों के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और पेशेंट मॉरली भी बेटर फील करते हैं कि नाउ आई एम नॉट ए पेशेंट, आई एम एबल टू स्टैंड, आई एम एबल टू वॉक।